कक्षा 11वीं इकाई 3 त्रिकोणमिति फलन विषय गणित प्रश्नावली 3.4 हल कीजिए sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। अब हम इस पद को लिख रहे हैं, पद हमारे पास है क्या sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। सबसे पहले तो कक्षा 10 के अनुसार जो हम sec स्क्वायर थीटा कहते थे इसके बारे में विचार करो, तो हम sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते थे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें कन्वर्ट कर देते थे। अब हम में से सब ध्यान से समझे कि हमारे पास जो है ये थीटा की जगह पर 2x है, तो यहाँ क्या जाएगा 2x, यहाँ क्या जाएगा 2x। तो अगली स्टेप में ये चेंज होकर कुछ ऐसा बन जाएगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x बराबरी से है 1 माइनस टेन 2x। अब अगर टेन 2x को दाहिनी ओर से बाईं तरफ लाया जाए और 1 को इधर ले जाया जाए तो इसका कुछ परिवर्तन इस प्रकार से नजर आएगा, टेन स्क्वायर 2x माइनस टेन 2x इक्वल टू, ये तो 1 है और इधर से जो 1 आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस, ये टेन 2x जो इधर से गया वो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखिए तो इन दोनों पदों में कुछ कामन दिख रहा है, वो कामन है टेन 2x। अगर ये कामन लिया तो यहाँ अंदर बचा टेन 2x प्लस 1, लेकिन दाहिनी तरफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर है या ये पद 0 के बराबर। यदि हम किसको टेन 2x को 0 के इक्वल मानते हैं, यदि टेन 2x को हम किसके 0 के इक्वल मानते हैं, तो यहाँ एक फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले को ध्यान से देखना, क्योंकि हम जानते हैं यदि टेन थीटा 0 के बराबर है, टेन थीटा इक्वल टू, तो ऐसी कंडीशन में जो थीटा आता है वो किसके बराबर आता एन पाई के। इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ इसको, अब यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू एन पाई, और यहाँ एक और कंडीशन का ध्यान दे कि जैसे हम 2 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाय 2, या तो ये 0 के बराबर हो तो ये वैल्यू होगी। अब ये 0 नहीं है तो दूसरा क्या होगा टेन 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 0। तो जब हम प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, टेन 2x इक्वल टू क्या माइनस 1। अब हम में से सब जानते हैं कि टेन पहले में पॉजिटिव है, दूसरे और चौथे में निगेटिव, तो यहाँ पर हम इसकी चौथे चतुर्थांश की कंडीशन देखते, हम इसको बड़ी आसानी से कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि माइनस टेन पाई बाय 4 की वैल्यू होगी माइनस 1। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं क्या 180 में से अगर हम 45 को घटा दें तो वो कंडीशन यानी द्वितीय चतुर्थांश की कंडीशन होती है, और उसका जो हल होगा वो क्या होगा टेन 3π/4। अब इसका मतलब हुआ क्या कि हमारे पास टेन 2x किसके बराबर आ गया, टेन 2x आ गया टेन 3π/4 के। और हम क्या जानते, तो हम यहाँ पर फिर एक फार्मूला जानते हैं कि यदि टेन थीटा किसके बराबर हो जाए टेन अल्फा के, टेन थीटा किसके बराबर हो जाए टेन अल्फा के, तब हम इसको लिखते हैं थीटा इक्वल टू क्या एन पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब है कि
हम इसको भी यानी कि इसको 2x इक्वल टू लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस 3 पाई बाय 4। यदि हम इस 2 को यदि अब हम इस 2 को कहाँ इधर पक्षांतर करें तो ये 2n पाई के बट्टे में आ जाएगा, 4 में 2 का गुना हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा क्या, x इक्वल टू एन पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 प्लस क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 8। इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है क्या कि यहाँ जो n लिखा है वो पूर्णांक संख्या है, n शामिल है z। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।